वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइम हम निकल चुके हैं जम्मू से ले के लिए, और ये हमारा सारा का सारा जो सफ़र है 750 यानी कि 750 किलोमीटर का रहेगा। तो दोस्तों हम इस टाइम निकल चुके हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए, और ये बाहर का व्यू है दोस्तों, और बरसात का भी मौसम है, ऊपर बादल छाए हुए हैं और काफ़ी ठंडा और सुहावना मौसम है। तो गाइस हमारे जो ड्राइवर साहब है काफ़ी स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम अपने ट्रैवल और अपने सफ़र को। दोस्तों फाइनली अब छोटी सी एक सुरंग जाने की टनल आने वाली है, ले चलते हैं सीधा टनल में। तो फाइनली हम टनल के पास पहुंच गए हैं और टनल के अंदर से हम सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए ये छोटी सी टनल है और अभी हम बाहर निकलेंगे, यह जस्ट यहाँ से ये। तो दोस्तों अभी हम बाहर निकलने वाले, ये देखिए बाहर, और ये रहा बाहर का व्यू। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, जो लोग नए आए हैं चैनल पर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बहुत बड़ी टनल के पास, जिसका नाम है नासरी टनल। ये दुनिया की सबसे लंबी टनलों में इनका नाम आता है नासरी टनल का। दोस्तों हम अभी इसमें एंटर करने वाले हैं नासरी टनल में, जिसकी लंबाई लगभग 9.5 किलोमीटर है। दोस्तों नासरी टनल का सफ़र हमने तय कर लिया लगभग, अभी थोड़ी देर में हम टनल से बाहर निकलने वाले हैं। बाहर का जो छोटा सा गेट जो है दिखाई दे रहा है, लाइट जो आ रही है। तो दोस्तों अभी बाहर हम निकल चुके हैं, देखिए दोस्तों 9.5 किलोमीटर की ये टनल है। काफ़ी एंजॉय फील किया इसको हमने, इसमें सफ़र करने का। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, तो अभी हम जहाँ रुकेंगे होटल में, खाना आ गया है, खाना खाएँगे राजमा चावल देसी घी अनारदाने की चटनी के साथ लुत्फ उठाते हुए। और बाहर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और ये होटल है, और ये होटल का बाहर का व्यू है, पूरा पहाड़ों के बीच स्थित बसा हुआ ये पीड़ा शहर, यहाँ पे राजमा चावल काफ़ी फेमस है, काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं, यहाँ पे खाने का काफ़ी मज़ा आता है। और कुछ देर हम यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अगले सफ़र के लिए। तो दोस्तों ये टनल जो सामने दिखाई दे रही थी वो पार करके हम पहुंच चुके हैं चंद्रकोट। तो चंद्रकोट से आगे हमें पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि आगे अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसकी वजह से आगे ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें यहाँ रोक दिया गया है। और यहाँ से हमें सुबह 3:30 या 3 बजे यहाँ से हमें छोड़ेंगे आगे श्रीनगर के लिए, फिर हम आपको मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लिप में। तो दोस्तों फाइनली हम इस टाइम हैं चंद्रकोट में, जहाँ हमें रोक दिया गया है क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम ना लगे, अमरनाथ यात्रा चल रही है उसकी वजह से जो ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, पुलिस वालों ने रोक दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे रूम वगैरह दे दिए, ये रूम वगैरह जहाँ पे हमें रोका गया, यहाँ पे हमें रूम दिया गया है, बेडरूम बेड दिया गया, बिस्तरा दिया, और खाने पीने का पूरा इंतजाम है, और यहाँ पर लंगर भी चल रहा है। और जो अमरनाथ यात्रा है वो भी, यात्रा वाले भी यहाँ रुके हुए हैं। तो सुबह हमें जो है कल सुबह हमें यहाँ से 3:30 बजे छोड़ा जा रहा है, और हम चाय का लंगर का लुत्फ उठा रहे हैं हसीन वादियों के बीच में, और ये लड्डू का प्रसाद है। सफ़र की काफ़ी थकावट हो रखी है और मेरा एक फ्रेंड सो रहा है,
मैं भी लेटा हुआ हूँ और कुछ यात्री भी आए हुए हैं और मेरे ये फ्रेंड लोग हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं और जय बोले बोल रहे हैं। सभी एक दूसरे को जय बोले शंकर की बोल रहे हैं और मेरा एक फ्रेंड ऊपर से जय बोले बोल रहा है। काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों का। थोड़ी देर में हम लंगर खाने जाने वाले हैं, तो सारे दोस्त तैयार हो रहे हैं लंगर खाने के लिए, तो हम फाइनली लंगर खाने जा रहे हैं। तो लंगर का ये देखिए दोस्तों, बाहर का व्यू कितना अच्छा शानदार तरीके से सजाया हुआ है, पूरा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था किया हुआ है। दोस्तों लंगर खा लिया है हमने और खा के वापस आ रहे हैं, तो रात को 3:30 बजे वाले क्लिप में हम फिर मिलेंगे। तो 3:30 बजे हमें छोड़ दिया जाएगा यहाँ से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं चंद्रकोट से आगे श्रीनगर के लिए। तो काफ़ी रात के 3:30 बजे हुए हैं, तो काफ़ी अंधेरा है बाहर और अभी हम जाएंगे पहले बाहर रामबन, रामबन के बाद बनिहाल, बनिहाल से टनल पार करके फिर पहुँचेंगे हम श्रीनगर। दोस्तों हम इस टाइम जो है हम टनल के अंदर इस टाइम एंटर कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छा टनल बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों कितना फास्ट से गाड़ी चल रहा है। दोस्तों इसके टनल के अंदर गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी को पास करना वाव। ये देखिए दोस्तों टनल, गाड़ी सीधा 90 डिग्री की स्पीड पे चल रही है। तो इस टनल की लंबाई जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है। दोस्तों कुछ ही पल में हम टनल क्रॉस करने वाले हैं, टनल से बाहर निकलने वाले हैं। दोस्तों फाइनली हम बाहर निकलने वाले हैं, बाहर का व्यू नज़र आ रहा है। दोस्तों फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं इस टाइम बनिहाल। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस टाइम श्रीनगर में, श्रीनगर का शहर क्रॉस करते हुए, श्रीनगर के शहर के बीचों बीच से होते हुए
अभी हम अपना रूट पकड़ेंगे लेह लद्दाख वाला, और उससे पहले हम सोनामार्ग जाएंगे, सोनामार्ग से होते हुए बालटाल, बालटाल से होते हुए द्रास, द्रास से होते हुए कारगिल, कारगिल से लेह। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइस, हमारा जो ड्राइवर साहब है काफ़ी स्मूथली और काफ़ी सावधानी से गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और काफ़ी एक्सपर्ट ड्राइवर है हमारे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो का आनंद लें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो दोस्तों उत्साहित जरूर करें, मोटिवेट जरूर करें, लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साढ़े तो नहीं होंगी दोस्तों। तो गाइस, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं कंगन कुछ जगह का नाम है, कंगन पहुंच चुके हैं, और बाहर जो है बारिश हो रही है, और ये देखिए हमने शीशे भी ऊपर चढ़ा दिए हैं विंडो के, और ये देखिए बाहर का व्यू। काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर है, बारिश भी हल्की फुल्की तेज हो रही है यहाँ सीन वादियों के बीच, सावन का महीना और हरे भरे पहाड़ बादलों के बीच, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल, अविश्वसनीय अद्भुत जो नज़ारा है इन हसीन वादियों और इन कश्मीर की वादियों के बीचों बीच से हम गुजरते हुए अपने सफ़र का आनंद लेते हुए, और आपको भी आनंद दिलाते हो रहे, आपको भी मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो गाइस, हमने जो सोनामार्ग की जो सिटी है साइड में छोड़ दिया, और हम बाहर से जो एक और रास्ता है, हम उस रास्ते की तरफ से जाएंगे, हम सोनामार्ग सिटी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, बार का रास्ता जो फॉलो करेंगे, और उसके बाद हम चढ़ेंगे जो जिले से होते हुए आगे हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लिप में। दोस्तों फाइनली हम जो जिला टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बाहर का व्यू देख लीजिए, पूरा बादल नीचे है और हम ऊपर आ रखे हैं। दोस्तों फाइनली हम जो जिला नीचे उतर चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं इस टाइम गुमरी में, काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ का, हम 2 मिनट के लिए यहाँ रुके हुए हैं, और ये बाहर का व्यू है देख लीजिए, मैं भी गाड़ी से नीचे आ गया हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंडियान, जो कि है द्रास से कम 30 किलोमीटर पीछे, और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे लगभग 1-1.5 घंटे में कारगिल, मिलेंगे आपको कारगिल में।
और कारगिल के बाद वहाँ हम लंच करेंगे। लंच करके फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं कारगिल में, और द्रास का जो क्लिप में थोड़ा मेरा बैटरी लो रखा था, नहीं दे बना पाया। अभी मैं अपने दोस्त के पावर बैंक से अपना बैटरी चार्ज करके अभी फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये दोस्तों कारगिल का जो शहर बाजार है, कारगिल का शहर बाजार हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से सब ने काला ड्रेस पहना हुआ है। कोई इनका कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल इनका कोई चल रहा है। काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ के लोग। और ये ब्रिज आ गए हैं, ये बाहर का व्यू है दोस्तों कारगिल का। तो दोस्तों इस टाइम हम पहुंच चुके हैं कारगिल में। तो कारगिल में हम खाएंगे लंच, दोपहर का खाना खा के फिर हम निकलेंगे लेह के लिए। तो अभी थोड़ी दूर जाके एक होटल आएगा, तो उस होटल में हम रुकेंगे। अभी एक दो चार मोड़ और काट के आगे होटल आएंगे, पंजाबी ढाबा वगैरह, वहाँ पे खाना खा के हम निकलेंगे लेह के लिए। और ये कुछ फ़ोटोज़ पिक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का। और यहाँ से खाना खा के हम निकलेंगे। दोस्तों खाना खा लिया और हम निकल चुके हैं इस टाइम लेह के लिए। तो गाइस कारगिल से हम लेह के लिए निकल चुके हैं, और इसमें लेह और कारगिल के रास्ते में के बीच में जो दो पास आते हैं, एक फतुल्ला टॉप और एक नमकीला टॉप। और हम पहले फतुल्ला टॉप चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर कुछ दूरी के आगे जाके, कुछ किलोमीटर आगे जाके नमकीला टॉप चढ़ेंगे। तो ये फिलहाल हम चढ़ रहे हैं फतुल्ला टॉप। काफ़ी हाइट तक गाड़ी जाती है। फतुल्ला टॉप हम नीचे उतर चुके हैं, थोड़ा सा रह गया नीचे उतरने को। उसके बाद फिर कुछ किलोमीटर के बाद हम चढ़ेंगे नमकीला टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पास है नमकीला टॉप, अभी हम नमकीला टॉप के ऊपर चढ़ रहे हैं। काफ़ी हाइट है इसकी भी। और यहाँ रास्ते में एक जो है मून लैंड करके एक जगह आती है, काफ़ी अच्छा जो व्यू है वहाँ का जो नज़र आता है, काफ़ी अद्भुत नज़ारा वहाँ पे आता है। काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी करते हैं आके। और ये पहाड़ों का जो दृश्य, जो व्यू है, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों अभी हम टॉप पर हैं इस टाइम, और कुछ ही देर में हम नीचे उतरेंगे यहाँ से धीरे धीरे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों।
तो नीचे का व्यू कैसे रोड जो जलेबी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसे जलेबी मोड़ भी कहा जा सकता है। दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद हम ले पहुंच जाएंगे। मोटिवेट जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब चैनल जरूर करना दोस्तों। और हम पहुंच चुके हैं फाइनली ले, और ले के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं दोस्तों। वेलकम टू ले घोड़ा चौक। और दोस्तों का वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इससे मेरा जो मोटिवेट बढ़ता है। ये ले बाजार है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, टाटा खुद।